जय हिंद दोस्तों, आज लेकर जाने वाला हूं मैं आपको काशीपुर में हुआ एक कॉम्पिटिशन और ये हमारे जजेस श्री राजीव सर हरिद्वार के और ये जो थम्स अप किया ये लेखराज कुरंग जी, हाँ ये जो है नेशनल जज हैं दोनों यहां पे और ये जो है अपनी टीम लेकर जाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, हमें मिले हैं यहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर हमारे जो हमारी वीडियो देखते हैं। तो आपने कौन सी वीडियो देखी है? मैंने आपकी ब्लॉग भी देखी है और पिक्चर वीडियो है वो भी देखी है आपकी। अच्छा, बलूनी फिल्म्स में? हाँ जी, हाँ जी, और मैं आपको काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ। बहुत खुशी हुई आपको देखा तो मैंने, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिंदगी में फॉलो कर रही हूँ और वो मुझे आज मिल गई यहाँ पर। तो आपको ज्यादा खुशी मुझे मिली कि हमें जो इतनी भीड़ में, हम उत्तराखंड खेलने आए थे यहाँ पे, खेलने के मतलब वो व्लॉग बनाने आया था, तो ये एकदम से मिली तो कहती कि हमने आपको देखा है, तो बहुत खुशी मिली है। तो आपका नाम? मेरा नाम सीमा है और मेरा हरिद्वार में जिम है। अच्छा, सीमा है आपका नाम, हरिद्वार में जिम है, किस नाम से? गेटफिट के नाम से। गेटफिट के नाम से, और कहाँ? ज्वालापुर हरिद्वार में। ज्वालापुर हरिद्वार में। तो मेन लेडीज आती है, कोई बात नहीं, ओनली लेडीज के लिए है। अच्छा, ओनली लेडीज के लिए फिलहाल, तो कोई भी जा सकता है। आप हरिद्वार जाना चाहेंगे तो मैं भी जो कभी आऊंगा तो आपसे मिलूंगा जरूर हरिद्वार में। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो दोस्तों, हम यहाँ पर खाना खा रहे थे तो पीछे से मिला कि हमें आपके साथ फोटो खींचनी है, तो थोड़ा मूवमेंट हुआ कि रिकॉर्डिंग का बटन दबाई नहीं, तो फिर इसीलिए हंसी आई थी। तो दोस्तों, इन्हें पहचाना, ये कौन है? ये कोई नहीं, मैं 45 साल का मनोज बलूनी आपके लिए यहाँ तक उतर गया हूँ कि मैं स्टेज पे चढ़ चुका हूँ, और कौन सी पोजीशन आती है, किस में मैं खेलने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा, मज़ा लीजिएगा, पूरा का पूरा मज़ा लीजिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इस पार्ट में। और आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरी बॉडी कैसी लग रही है, सिर्फ आपके लिए उतरा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे। एक बार फिर से जान फूंक दी है मैंने थोड़ी सी, जितनी भी रही पसी थी। तो जो है चलते हैं हम अपने घर से शुरू करते हैं। और दोस्तों, हाँ, मैं जल्दी से गढ़वाली वीडियो लेने वाला हूँ। मैं मनोज बलूनी, नाम तो आपने सुना ही होगा, मैं दिमाग में नहीं जुबान पे आता हूँ और दिल में समझ आता हूँ, तो दिल में ही समय मत रखना, सबको कह देना कि आपके दिल में मनोज बलूनी रहता है। शेयर कर दो वीडियो को, और हाँ, अगर जो अभी तक आप मेरे साथ नहीं जुड़े हो तो लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन काला कर दे, काला है तो आप मेरे साथ जुड़ चुके हो, तो लाइक कर दो, नहीं तो आप फिर हमारे प्यार में खो जाओगे, बह जाओगे, और आप पे बहाना हो जाएगा कि हमें याद नहीं था। तो मेरे पिताजी थे जो है सुबह सुबह मुझे जो है छोड़ने आए थे। तो चलिए मैं चलता हूँ यहाँ से, अपने घर से आपको काशीपुर लेके चलता हूँ मैं आपको। देखो हमें रास्ते में कौन मिला है, तो ये फल वाले और कुछ हमारे वीडियोस में आना चाहते हैं, हमारे शुभ चिंतक, हमारे वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब किया है इन्होंने, तो हमने कहा आप भी काफ़ी स्वागत है। तो इंतज़ार किया मैंने, तो हमारा जिम तो देखो, ओ देखो बंद है वहाँ पर, लेकिन गाड़ी निकल गई थी दो तीन, तब तक कोई मिला मुझे, तो कौन मिला देखिए। जी देखो हमें मिले हैं नीरज। हेलो भाई नीरज। तो जो है बाइक मिली है, बहुत मेहनत थी करने में, और अब जाएंगे हम किशनपुरी से तैयार हो चुके हैं काशीपुर के लिए। तो बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन बहुत पहले मैंने खेला था 2012 या 13 में, अब व्लॉग बनाता हूँ मैं, तो व्लॉग आपको दिखाएंगे, बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और काशीपुर का किराया क्या है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और चलेगा देखते हैं कब चलेंगे, 9:30 से ऊपर हो गया है टाइम, तो अब शुरुआत है। जय हिंद, जुड़े हैं। तो दोस्तों, अगर जो आप गढ़वाली फिल्म देने के इच्छुक कलाकार हो तो मैं इसमें 3 फिल्में डालने वाला हूँ गढ़वाली, जो आपको बहुत पसंद आएगी गाने की भी, और शायद हम कॉमेडी वीडियो फिर से शुरू करें इस चैनल पर व्लॉग के साथ साथ। तो दोस्तों, तो फिटनेस का दूसरा चैनल है बलूनी फिटनेस करके भी, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो यूट्यूब पर। तो दोस्तों, ये हमारी जान है, मतलब हमारी कोटदार की शान है, हमारी पहाड़ी वेशभूषा इनमें नज़र आती है, और इतना अच्छा लगता है हमारे, हमें यहाँ पे जो है ढोल बजाते हुए हमारे पहाड़ी स्टाइल में, ये जो है लाल बत्ती चौक है, आप यहाँ पर आ सकते हैं और मज़े ले सकते हैं हमारे कोटद्वार का। तो यहाँ से मैं चला हूँ नजोबाद के लिए, नजोबाद का टिकट लगा है 35 रुपया, और मैं जो है हमने कहा चलो डायरेक्ट बस, तो 11:30-12 बजे के आसपास ही आती है, 12:15 बजे निकलती है डायरेक्ट काशीपुर के लिए, लेकिन मैं वहाँ से उतरने के बाद तुरंत पहुँच गया हूँ मैं नजोबाद। तो नजोबाद में मुझे बहुत जल्दी गाड़ी मिल गई, तुरंत उतरते ही काशीपुर की, जिसका टिकट था 125
155 रुपया, यानी कि लगभग लगभग 190 रुपये में मैं काशीपुर पहुंच गया हूं। आप कहीं नहीं जाना है, सिर्फ यहां पे आप उतर जाओगे, रेलवे स्टेशन के आसपास वाली रोड है ये, यहां से आप लेफ्ट हैंड को झुकेंगे और सीधी की सीधी रोड है नाग की, सीध में पुल मिलेगा आपको, पुल ख़त्म होते ही यहां पे मिलेगा आपको एक पेट्रोल पंप। अब पेट्रोल पंप के ठीक नज़दीक यहाँ पे बोर्ड लगा है जहाँ पर बॉडी बिल्डिंग का लगभग लगभग होता रहता है। जब मैं पहले कंपटीशन खेलने आता था तो मैं यहाँ पे नहीं होता था, चीमा प्लेस होता था या दूसरी जगह पे होता था गुरुद्वारा के आसपास, वहाँ हुआ था ये होता था ये कॉम्पिटिशन जब मैं खेलता था। तो यहाँ आते ही मिले मुझे कोडा के कुछ जाँबाज जो तुरंत हमें यहाँ से, मैं सोचा था मैं सबसे पहले पहुँच चुका हूँ लेकिन यहाँ पर तो ये हमसे भी पहले पहुँच चुके हैं, क्योंकि हर बार मैं 3-4 बजे निकलता था तो इस बार मैंने कहा मैं जल्दी निकलूँगा। मैं 9 बजे 9:30 बजे 10 बजे घर से निकल गया था और 2 बजे 2:30 बजे यहाँ पहुँच गया दोस्तों। तो ये ग्राउंड है यहाँ का सुंदर सा, 2:15 यहाँ पर बज चुके हैं, 2:15 2:30 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर जो है ये हैं हमारे साथ खेलते थे पहले भी कॉम्पिटिशन, तो इस बार ये दोनों कॉम्पिटिशन खेले आए कोटदार के हैं, ये तीसरा मैं जानता नहीं हूँ, शक्ल से पहचानता हूँ। तो ये सब इस बार बहुत सताई करी है कि भाई सब बाहर हो जाइएगा, ये भी हमारे साथ के आए हैं कोटद्वार के हैं, कोटद्वार से आए हैं हम बॉडी बिल्डिंग देखने के लिए, बहुत शौकीन है ये बॉडी बिल्डिंग का। तो यहाँ पे बहुत चर्चा चल रही है भाई क्या किया जाए, ऐसा करा ऐसा करेंगे, अब इस बार बच्चों को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा, सब बाहर से आएंगे कपड़े उतार के आएंगे। तो मुझे भी बाहर कर दिया गया, बड़ा बुरा लगा यार, अच्छी वीडियो कैसे बना पाऊँगा मैं आपके लिए, तो मैं बड़ा सोचता रहा था। कोई बात नहीं, ये हमारे कोटद्वार के जाँबाज सिपाही हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है और बहुत सालों से लगे पड़े हैं, बहुत मेहनत बहुत पैसा बहुत ही अच्छा कंडीशन इन्होंने किया है दोस्तों। पहले ज़माने में और अब में बहुत ज़्यादा फर्क हो चुका है, जैसे कि जो है मोबाइल कीपैड मोबाइल हो गया और ये जो है आपका आज का एंड्रॉयड मोबाइल हो गया, जैसे ज़माना है ना वही बॉडी बिल्डरों का सेम ज़माना है। पहले हम बॉडी बिल्डर जो है भूखे रहते थे तब जाके काम करते, लेकिन आज के बॉडी बिल्डर बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हो जाते थे कि हम सोच नहीं सकते कि जो है। फिर जो है हमारे राजीव सर जी ने कहा आप तुम मानोगे नहीं तुम अंदर आ ही जाओ, तो दोस्तों हम बहुत जिद्दी हैं, हमने कहा जब तक अगर हम आपकी अच्छी पोज नहीं लेंगे तो आप हमारे कैमरे में कैसे दिखेंगे सर जी। तो सर जी को स्पेशल मजबूरी मुझे अंदर बुलाना पड़ा और अंदर बैठाना पड़ा, तो फिर अंदर बैठा, फिर अंदर से मैंने सारी वीडियो बनाई और बहुत अच्छे आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो हमारे कोटद्वार के कुछ जाँबाज बॉडी बिल्डर यहाँ पर जो है सूट वूट उतार के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो हम कह रहे थे कि काफ़ी बड़ा ये हमारे गुरंग सर हैं, लेखराज सर हैं जो इनके ये हैं नेशनल जज भी यहाँ पे, और ये हमारे केंद्र ये हमारे वीरेंद्र सर जो है जो जिन्होंने हमें सिखाया है ये कोटद्वार के जज, नीली सूट में आपने जो देखा होगा इनको, तो जज भी हैं, जजिंग भी करी है इन्होंने। तो जो है आज की बॉडी बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल की हो गई है, मतलब इतने खतरनाक खिलाड़ी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कि जो नॉर्मली घर की डाइट्स में चाहेगा कि मैं जैसे मैं हूँ, मैं अगर जो है चाहूँगा कि घर की डाइट में मैं इन लड़कों से जीत जाऊँ और इनको पछाड़ दूँ और चैम्पियन बन जाऊँ, तो ये थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आता है। तो ये गौरव है हरिद्वार के, तो ये भी पहले पे 2012 के या 10-11 साल के बाद ये वापसी करी इन्होंने, लगभग लगभग थोड़ा सा 18-20 का फ़र्क है इनके अंदर साइज में, थोड़ा सा है, बहुत उतना बड़ा नहीं है जितना उस समय था, लेकिन अभी भी ये जो है निकले हैं, इन्होंने भी प्लेस मारी है और क्या प्लेस मारी है आप इनको पहचानिएगा और इन्हें भी देखिएगा, ये मेन फिजिक्स के खिलाड़ी हैं। तो मेन फिजिक्स में इनका क्या तो हमारे सर जी बहुत स्टिक है यहाँ पर, तो कुछ बॉडी बिल्डर तो यहाँ पे दिख के ऐसा लगता है कि बस मानो क्या उतर के आ गया हो जमीन पर, जिसके हमने देखा ही नहीं इतना खतरनाक, यहाँ पे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा लेकिन आप देखते रहिए हमारे सर के बड़े लड़के 172 मेरा ट्रंक नंबर है और मैं भी खेल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ अंडे, ये थे 7 अंडे, जिस तरीके से अंडे मेरा साथ नहीं छोड़ रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन भी मेरा शायद साथ नहीं छोड़ रहा है क्योंकि पक गया हूँ मैं यार, उबले अंडे खा के कब से खा रहा हूँ मैं उबले अंडे, तो फिर कीड़ा जाग गया है कंपटीशन खेलने का, तो मैंने कहा चलिए उतर जाते हैं आपको दिखाते हैं कि हमारी कौन सी पोजीशन आती है। वैसे टफ है कंपटीशन, बहुत तकड़ा, बहुत ज़्यादा लड़के आए हैं, कम से कम 100-150 लड़के हैं कंपटीशन खेलने के लिए, और मेरा क्या नंबर आता है कमेंट कीजिएगा जल्दी से,
तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा। अब कॉम्पिटिशन शुरू होगा, अंधेरा शुरू रहेगा, वेइंग सारी ख़त्म हो चुकी है और मैं कौन से वेट में खेल रहा हूँ ये जानना चाहोगे ना आप। मैं खेल रहा हूँ 80 किलो वेट में। एक और बजा है फाइनली, और ये 7 अंडे, पूरे 7 अंडे मैं सुबह खा चुका हूँ। और खिचड़ी लाया था, हिटलर ने खिचड़ी बनाई थी, आधी खिचड़ी खा दी, आधी मैं नहीं खाने वाला क्योंकि अब मेरे पेट में जगह वाकई में नहीं है। तो मिलते हैं और शुरू करते हैं अपने वीडियो। दोस्तों हमारी और भी वीडियो देखने के लिए आप नीचे क्लिक करें, इधर व्लॉग के लिए क्लिक करें और इधर कॉमेडी के लिए क्लिक करें। कॉमेडी